सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल वेटरन्स अकैडमी के उपर। दोस्तों, नवी सरकार बनन तो बाद पंजाब दे नौजवानों नू एक उम्मीद जागी है कि हुण बहुत नवीं नौकरियां आनगियां ते साडी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसे कड़ी दे विच पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दियां 777 पोस्टां आन दी बहुत ही जल्दी उम्मीद है। एक डॉक्यूमेंट असीं पहला भी तुहानू शेयर किया सीगा जो कि सोशल मीडिया उपर वायरल हो रहा सी, ते हुण भी बहुत ही जल्दी उम्मीद है कि यह पोस्टां आ जाएगियां। ते दोस्तों, बहुत बच्चों के कॉल्स ते मैसेजिज ते साडे नाल गल हो रही सी। बच्चे पूछ रहे सी कि सर, कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी किद्दां करनी चाहिए है, कि इहदे विच इकोनॉमी ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि बैंक का पेपर है, तो किन्नी बैंकिंग पढ़नी चाहिए है। तो असीं उह दोस्तां अपने बच्चों नूं गाइड कर रहे सी, ते नाल ही फिर साडे मन च आया कि क्यों ना उस बंदे तों गाइड कराया जाए, उस बच्चे तों गाइड कराया जाए जो कि ऑलरेडी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दे विच आपदियां सेवावां दे रहे ने। तो साडे एक पुराने विद्यार्थी, ठीक है, मुहम्मद सादिक जी, जो कि ऑलरेडी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दे विच जॉब कर रहे ने, अज जो साडे नाल ने, ते अज जो साडे नाल शेयर करनगे आपदे इनसाइट्स कि उन्होंने किवें तैयारी की सी, ते किवें उन्होंने पेपर क्रैक किया। उम्मीद करांगे कि उन्हां दी जो भी इनसाइट्स होएगी वो सानू बहुत ज़्यादा हैल्पफुल करेगी। हुण मैं वैलकम करांगा मुहम्मद सादिक जी का। वैलकम सर। वैलकम सर। थैंक यू सर। प्लीज। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सारे भैन भरावां नूं जो भी। तो मेरा नाम मुहम्मद सदीक है, तो मैं थोनों अपने बारे थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दसना चाहूँगा कि मैं इस तो पहला की करिया जा, मतलब एट प्रेजेंट मैं अपनी जिहड़ी भर्ती हुई सी PSCB दी, उहदे विच एज ए CDO सिलेक्ट होए हैं, तो इस टाइम मैं ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो बहुत वधिया है, तो बहुत अच्छी गुड फील आ रही है भी हाँ मैंने जॉब मिल गई है, क्योंकि सैकेंड मतलब टाइम जी है अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मैं चाहूँगा कि जी आने वाले हूँ अगे बच्चे तुम भी इस तरीके जिमें थोड़ा जहा मैं अपने भी थॉट शेयर करूँगा कि मैं किस तरीके अपनी प्रैपरेशन की, किस तरीके अपने आप को तैयार किया, क्योंकि थोनों मैं दस देना चाहता कि मैं इस तो पहला आर्मी के जॉब कर चुके हाँ, तो मैं आर्मी के 17 साल जॉब की है, तो उस तो बाद मेरी रिटायरमेंट हुई है। मैं थोड़ा थोड़ा जहा दस दिना मोटा मोटा कि मैं 2003 तो आर्मी च टोटल मैं मतलब 17 ईयर सर्विस करके आया, तो 2020 दे विच नवंबर दे विच मेरी रिटायरमेंट हुई सी। तो तुसी खुद जान सकते हो कि जदों अपना 17 साल का अपना गैप पै जाता, तो उस समय अपनी एक पढ़ाई दिस मतलब रिगार्डिंग अपनी की पोजीशन हो सकती है। कुल मिला के आपां ये कह सकते भी आपां बिल्कुल जीरो हाँ। तो उस समय मैनू मतलब एक चीज़ चाहिए सी कि आपां अक्सर जो किसी ने पूछी ना भी बई तू तैयारी क्यों नहीं कर रहा, तू तेरी तो का तो नहीं तू सरकारी नौकरी करनी ध्यान दिंदा हैगा जां होगा, तो ज़्यादातर बच्चों का की आंसर आंदा है कि सर सानू कोई गाइडेंस नहीं मिली, सानू कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलिया, तो असी किस तरीके नाल तैयारी करिए। तो इस तरीके नाल मैं भी मतलब दिमाग दे विच मेरे बार बार यही गल आई जांदी सी कि यार मैं रिटायरमेंट तो ले ली, तो मतलब रिटायरमेंट होगी मेरी, तो हुण नैक्सट क्योंकि हले एज भी इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, तो हुण अगे लाइफ दे विच कुछ ना कुछ तो करना ही पैना है। तो मैं भी इस तरीके नाल मतलब सोचता रहिंदा सी वी यार कुछ ना कोई मैनू गाइड करे, कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं पता लग्या भी हाँ भी जरूर आप अक्सर दो गल कर लें एक दूजे यार दोस्तों भी की करिए हूँ, तो उन्होंने दस्या भी इस तरीके ए करो अकैडमी जाओ, अकैडमिया बहुत ने सिलेक्ट करो, थोनों अकैडमिया बहुत मिलनगियाँ, बहुत टीचर मिलने, पर हूँ देखना है कि तुम किनू सिलेक्ट करो भी हाँ जो थोड़ा कि एक चंकी गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। तो उस तो बाद गाइडेंस मिलेगी तो प्लस मटीरियल भी देने सब कुछ मिलता। तो इस तरीके फिर मैं अपनी जी प्रैपरेशन है जी तुम मनोगे नवंबर के 22 नवंबर में स्टार्ट करी सी, तो नियर अबाउट आप देखते हैं कि अपने पंजाब दे विच पेपर अगस्त स्टार्ट हो ही चुके थे, अगस्त 21 दे विच पेपर अपने स्टार्ट हो चुके सी, जिस दे विच मैं तुहानू दस्सा भी जिहड़ा मैं फर्स्ट पेपर दिता सी जदों जिहड़ा की होया सीगा फरवरी
21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਸੋਰੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਗਰਾਮਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਗਰਾਮਰ ਕਰ ਲਈ ਅੱਧੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਵੀਹ 25-25 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡ ਤੀ ਜੀ ਖਤਮ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੀਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੇਖੀ MCQ ਲਾ ਲਏ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਾਓ ਮੌਕ ਹੈ ਨਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ MCQ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ MCQ ਅਤੇ ਮੌਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਕਿਨ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਡਾਊਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਊ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ
उन्हें अपने दिमाग तो पढ़ाना, पर जिहड़ा ऑनलाइन, पर जिहड़ा ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन टीचर ने थोनू देख के पढ़ाना है भी तुसी किहे जे हो, थोड़ा दिमाग किन्ना काम करता, थोनू किन्ना आंदा है। इसलिए सब तो ज़्यादा जरूरी है भी तुसी जिन्ना भी पॉसीबल हो सके ऑफलाइन कोर्स लवो, ऑफलाइन कोर्स लवो। तो जिन्ना भी सिलेबस मैं थोनू पहला भी दस्या जी, अपना सब तो पहला हिस्टरी, पोलिटी, जियो, मैथ, रीजनिंग, पंजाब जीके, पंजाब ग्रामर, कंप्यूटर, इनू पूरे सिलेबस ने एक बार थ्रू आउट कंप्लीट कर लो। उस तो बाद फिर तुसी MCQ ते मॉक लाने ने। जे तुसी कहो ना पहला स्टार्टिंग जे MCQ लावा मॉक लावा कोई गल नहीं बननी, जे थोड़े कंसैप्ट वाइज कला कला टॉपिक क्लीयर है MCQ तो आए जाएंगे, ठीक है। इसलिए सब तो पहला जरूरी है कि कंसैप्ट वाइज अपना कला कला टॉपिक नू क्लीयर करो, ठीक है। तो मैं थोनू चलो वैसे रिकमेंड भी कर दिना, बाकी थोनू हरेक कहिंदा भी हाँ पता नहीं की आऊगा, पर मैनू पता है भी मैं जिस दिन आया सी उस दिन मैं जीरो सी। एक रविंदर सर ने अपने मैं ना थोड़ा जा सर एक बारी प्लीज़ आऊँगी हल्का जहा, ये सर दे इन्ना वड्डा योगदान रहा मेरी सक्सैसफुल दे विच, क्योंकि इन्होंने शुरू तो लैके मैनू बहुत ज़्यादा गाइड किया, क्योंकि सब तो वड्डी कमी हुंदी है अपन गाइड की, गाइडेंस की। जे अपन कोई चंगी तरह गाइड कर दे ना तो आप उपर तक तारे टच कर सकते हैं, तारे तोड़ सकते हैं, ठीक है। पर जे अपन गाइडेंस ही चंगी ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रविंदर सर थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा भी, मेरी मतलब यही है रिक्वेस्ट कि तुसी भी सर नू कंटैक्ट करो, तो एक बार इन्हों के नाल जरूर एक बार अपनी मीटिंग करो, थोनों अपने आप पता लगेगा भी किन्ना फर्क हैगा बाकी जगह पर, कि इन्हों को की तो इन्होंने मतलब थानू इन्हों की गाइडेंस के इन्हों के मटीरियल के बाकी इन्हों कि ज़्यादा थोड़ा अपने आप ऑटोमैटिकली जज करोगे, तो कहने की लड़ नहीं हैगी। मैं नहीं दस सकता भी हाँ इन्होंने थोड़ू कहा भी ये इन्ने वधिया ने जाओ वधिया, तुम अपने आप ही जज कर लोगे जो तुम मतलब क्लास वगैरह अटेंड करोगे, ठीक है। पंकज सर ने मैथ दे, क्योंकि सब तो वड्डी गल की है ये इत्थे पढ़ाई होंगी कंसैप्ट वाइज, तो अपना मोटिव है कंसैप्ट वाइज कंसैप्टा समझो की चीज़ आ। हुण पोलिटी होगी, पोलिटी ज़्यादातर बच्चों किसी को पूछ लो जी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जी, पोलिटी पढ़ रहे हैं यही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, गरंटी ला के कहना कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन नहीं पता होगा, डेफिनेशन की होती है नहीं पता होंगे ज़्यादातर, क्यों कंसैप्ट वाइज समझी नहीं भी भाई कॉन्स्टिट्यूशन की आ, का तो बनाया ये चीज़ों समझो, हिस्टरी आ, हिस्टरी मतलब प्रोपर कंसैप्ट समझो भी यार, जिमें कोई कली कली सल्तनत आई और का तो आए थे उन्होंने कारण की सीगा, ये चीज़ों जो तुम समझोगे ना। जब जिमें मैथ आ, हुण मैथ तो थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की होगा, एवरेज एवरेज चैप्टर एवरेज की है, व टाइम एंड वर्क आ की है, उन्होंने मोटा मोटा दिमाग च फिगर बैठी होनी चाहिए है। कल्ले MCQ ला के मॉक टेस्ट ला के तुसी पेपर नहीं क्लीयर कर सकते। इसलिए फाइनली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना एक वधिया प्लेटफॉर्म चूज करो, वधिया गाइडेंस लवो, तो अपनी सफलता नू चुमो, ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर कि तुहाडे जरिए मैनू अपने कुछ परसनल थॉट्स दूसरे नाल शेयर करन दा मौका मिलिया, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। और एक सैकेंड जी, मैं चलो मैनू अगर स्टेज बुलाया गया तो चलो मैं थोड़ा जा शेयर कर लाँ जी गलबात। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी शादिक जी अज आए ने, बट इन्हों का आपकी मेहनत बहुत अच्छी सी जी। देखो इन्होंने कहा कि रविंदर सर ने गाइड किया, हाँ जी साडा काम है जी गाइड करना, अगर तुसी एक प्लेटफॉर्म ते बैठे हो तुसी एक ड्यूटी नू एक सर्व कर रहे हो तुसी एक इंस्टीट्यूट च, तुहाडा एक 101% है कि तुसी बच्चे नू हर एक तरह की गाइडेंस दो। देखो दोस्तों साडे इस प्लेटफॉर्म ते साडे इंस्टीट्यूट च असीं समझदे कि साडा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तुहाडा इंस्टीट्यूट है। मतलब कहने का मतलब यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तैयारी के नाल नाल स्टडी के नाल मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, कंप्यूटर,
ये हर एक सब्जेक्ट है बट तो एक एक अच्छे दोस्त की बहुत नीड होंगी है। तुम हर 10-15 दिन कई बार गिरते हो तो मोटिवेशन लैवल गिरता है। तो दोस्तों साड़ी यही कोशिश है जिंदा जिमें असं करते भी असं अपना ग्रुप बना लिया दो तीन बंद का भी जिमें असं क्लास तो बाद जाते दूसरे दिन सा जो कोई टॉपिक का नहीं असं आपस ग्रुप डिस्कशन करते रात को भी सारी कई बार 12-12 बजे तक भी ग्रुप डिस्कशन करते भी यार वो चीज़ नहीं है। ग्रुप डिस्कशन इन्नी तगड़ी चीज़ आ इसलिए मैं कहना जो स्टडी है अपने नोट्स बनाओ नोट्स के नाल नाल ग्रुप डिस्कशन करो थोड़े जिन्हें भी डाउट ने वो क्लीयर होंगे ते नाल जे नहीं भी होंगे फिर अगले दिन नैक्सट टीचर तो करो अपना। बिल्कुल जी चलो बहुत इंपोर्टेंट ठीक है दोस्तों फिर हम इतने इस सैशन का एंड करते हैं। ठीक है थोड़े ना असं हमेशा ही खड़े ने तुम जब भी तुम्हें लगता है कि साड़ी लोड़ हैगी है एनी टाइम साढ़े नाल गलबात करो डिस्कस करो। मैं फोन नंबर तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल से कमेंट बॉक्स से भी या फिर अपने पेज से चैनल से सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म से तुम्हें साड़ा एड्रेस से फोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है मिलते हैं फिर टेक केयर।